आप जॉब ही करना चाहते हो तो अभी फाइल जो है प्रोसेस में चल रही है जॉब के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां पर जाके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर ट्रैकर इनसाइट। तो जैसे कि आज संडे है, तो आप सब लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, सबके आंसर्स करने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे हम कोई भी कंट्री के अंदर ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर जो भी जॉब्स और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होगी, फॉर श्योर हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी ड्रीम डेस्टिनेशन हो जहाँ पर जाकर आप जॉब करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें मिस ना हो आपसे कभी भी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, रशिया में टेलर का जॉब कैसा रहेगा भाई बताना। तो टेलर की जॉब्स काफ़ी लोग करते हैं, एजेंसीज हैं जो टेलर जॉब्स पे लोगों को हायर करके रशिया में भेजती है, वहाँ का वर्क परमिट लगवाती है, और टेलर काफ़ी कॉमन जॉब है रशिया के अंदर और काफ़ी अच्छा पे स्केल भी रहता है। जैसे कि मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि अगर आपको रशिया में जाकर जॉब करनी है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू रशिया एंड वर्क देयर, क्योंकि अभी समर्स का टाइम चल रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं भारी एंट्रीज के लिए, इंडियंस के लिए भी। तो अगर आप जॉब ही करना चाहते हो तो अभी जाइए, और अगर आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस करना है तो आप समर में जाओ, विंटर में जाओ, जब भी आपको जाना तब जा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमीत कुमार 3661 का। हेलो ब्रो, हाउ आर यू। भाई मैं बिल्कुल अच्छा हूँ ब्रो। मैंने ये पूछना था कि इन्विटेशन लेटर के बाद कितना टाइम लगता है वैसे आने में, प्लीज़ रिप्लाई सर, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, थैंक्स, गुड इन्फॉर्मेशन सर यू। सो गाइज, ये पूछ रहे हैं कि जब इन्होंने अपना VFS में अपना वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसके बाद कितना टाइम लग जाता है वीज़ा घर पे पहुंचने में बाय पोस्ट। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो रहता है 10 से 15 दिन का टाइमिंग, लेकिन इसके बीच में अगर आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वहाँ पर कुछ भी डाउट होता है एम्बेसी को, तो वो आपसे पूछेगी और उनको जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहिए अगर उनको फोन पे मिल जाता है, तो आपका वहीं से आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा और आपको बाय पोस्ट आपको वीज़ा मिल जाएगा, वरना आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। टूरिस्ट वीज़ा पे भी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बिजनेस वीज़ा पे भी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वर्क वीज़ा के लिए भी बुलाते हैं, किसी भी स्टेज पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है वीज़ा के लिए। और 10-15 डेज का वर्किंग टाइम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर लग जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल जो है प्रोसेस में चल रही है, और 10 से 15 दिन का टाइम मान के चलो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है भूपेश कंसल का। सर, रशिया में जॉब वर्क परमिट कितने टाइम का मिलता है? सो गाइस, स्टार्टिंग में अगर जिस भी पर्सन ने आपको रशिया में बुलाया है वर्क परमिट के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां पर जाके वो आपका आपका जॉब का वीजा देगा, जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं, TRC कहते हैं। इंडिया से जो आपको आपका वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट या जो भी वर्क परमिट आपको मिलेगा, वो सिर्फ 3 महीने का मिलेगा। फिर 3 महीने का आपको वहाँ पर जाकर रशिया के अंदर उसको 1 साल का करवा लेना है। आपको जो भी एम्प्लॉयर होगा वो आपको बता देगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसके लिए आप काम करोगे तो उसको सारी चीज़ें शो करनी होती है एम्बेसी को कि ये पर्सन इंडिया से आया हुआ है और इसका 1 साल का मुझे TRC बनवाना है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आप लोग के मैंने आंसर कर दिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, और अभी आप रशिया में जाके ट्रैवल भी कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इन रशिया एज वेल, और आप जाके जॉब भी कर सकते हो। और जो आपको बेस्ट सैलरी जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि हाँ कि सर मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है इस वक्त रशिया के अंदर जाके, तो अभी जाइए आप। सो गाइज, इसके अलावा अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और बाकी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत कुछ रशिया के बारे में पता चलेगा कि आप कैसे वहाँ पर जाके जॉब प्राप्त कर सकते हो, अपना वर्किंग वीज़ा लगवा सकते हो। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।